हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और चलिए आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स को जो कि 15 जुलाई है उसका कर लेते हैं। वर्ष 2021 के विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के लिए विषय है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना, रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई को वर्ष 2025 में होने वाले 27वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM सर्वसाधारण सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD सचिवालय ने एक नया वर्ष 2030 के माध्यम से प्रकृति के प्रबंधन के लिए वैश्विक कार्यसूची ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर थ्रू 2030 जारी किया, जो कि विश्व भर में कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक उत्पत्ति योजना जो लोगों के लिए प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित करती है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सुरक्षित किए गए परिवारों की संख्या के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते जो कि DA है उसको 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय आयुष अभियान NAM को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाने की मंजूरी दी है। पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान NEIFM का नया नाम पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान NEIAFMR हो जाएगा। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन इस शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं JS इफ्तिखार। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के नए वैश्विक प्रमुख जो कार्गो के हैं ब्रेंडन सुलिवन बने हैं। भारत देश वर्ष 2026 में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। भारत देश वर्ष 2023 में सुधीर रमन चषक जो कि बैडमिंटन का एक प्रतिस्पर्धा है उसका आयोजन करने वाला है। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए एक पंच के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। कर्नाटक सरकार ने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए गृह विभाग को विद्या निधि कार्यक्रम का आरंभ किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो चीन का है ने अति निम्न तापमान को पूर्ण शून्य केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस से केवल 0.01 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान प्राप्त करने के लिए एक शीतक यंत्र या जिस जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको विकसित किया है जो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। संघ द्वारा कर लगाना और संकलित करना लेकिन यह कार्य राज्यों को सौंपना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 269 में दिया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर लगाना और संकलित करना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 269 और में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच कर लगाना और वितरित करना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 270 में दिया गया है। व्यवसायों व्यापारों आजीविका और रोजगार पर कर लगाना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 276 के अंतर्गत दिया गया है। बचत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 277 में है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।